फिरोजाबाद बाबूजी स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह जी की 86वीं जयंती को बाबूजी द्वारा स्थापित MSV एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने SIN ब्लड बैंक की सहायता से IV इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया, जहां लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसमें सर्वप्रथम पावन शर्मा के द्वारा रक्तदान करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसी कड़ी में देश दीपक, विजय पाल, लोकेंद्र, गौरव कुशवाहा, मोहित यादव, आनंद राज, अजीत यादव, विनीता राठौर, पवन उपाध्याय, नारायण यादव, मंसूर अहमद, राम शंकर गुप्ता, ज्ञानेंद्र जैन, राजेश दुबे, आनंद यादव, सुबनेश कुमार ने बाबूजी की जयंती पर शिक्षा से रक्त दान कर जरूरतमंद लोगों की सहायता की एक छोटी सी कोशिश की। एल ट्रस्ट के संचालिका एवं श्रीमती नंदिनी यादव ने अपने बाबूजी की जयंती पर रक्तदान किया और कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है उन तक रक्त पहुंच पाए। यह छोटी सी पहल हमारे द्वारा की गई, साथ ही सभी रक्त दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर SIN ब्लड बैंक से डॉक्टर गरिमा सिंह, राजीव पचौरी, मूलचंद, आरती सिसोदिया, शशिकांत, गजेंद्र, पुरुषोत्तम एवं डॉक्टर PS राणा आदि लोगों की देखरेख में रक्तदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ये कि आज हमारे बाबूजी की 86वीं जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का एक यहाँ पे शिविर लगाया गया है। और आपने अभी अंदर भी देखा होगा, अभी तक 12 लोग वहाँ पे रक्तदान कर चुके हैं और भी लोग हैं जो वहाँ पे अभी करने की तैयारी में हैं। और बस आज इसी उपलक्ष्य में कि उनकी जयंती है तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की मदद हो जाए। और इसीलिए जो यही सोच के कहीं ना कहीं आज यहाँ पे हम लोगों ने IV इंटरनेशनल स्कूल में जो हमारा ट्रस्ट है MSVA ट्रस्ट, उसके द्वारा जो ये रक्तदान का कार्यक्रम है उसका आयोजन किया। और लोगों को भी किस तरह का संदेश देना चाहेंगे रक्तदान शिविर से? रक्तदान, देखिए रक्त हमें हमेशा, जैसे हम कहते हैं रक्तदान महादान, जब लोगों को ज़रूरत होती है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि रक्त की खून की कमी है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल रहा होता है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। और अगर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी एक एक यूनिट यहाँ पे ब्लड जो है ये लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसे जगह जगह, अगर अब तो काफ़ी जगह जो है शिविर लगने लगे हैं, तो उस तरह से होती ये है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जब कोई भी हॉस्पिटल में कहीं पे एडमिट है या उनको बहुत अर्जेंसी में ज़रूरत है और उनके घर वालों का ब्लड मैच नहीं कर रहा है, तो ब्लड बैंक में उस समय पे जो है उपलब्ध रहती हैं चीज़ें, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह से मदद मिल जाती है जो लोग होते हैं। इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में पवन शर्मा जी से कल भेंट हुई थी और कल ही एक कार्यक्रम सेट हुआ। और ये बहुत पुनीत कार्य है, आज बाबूजी का 86वां जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में मैम के आदेश के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ अभी तक 10 यूनिट ब्लड रक्तदान हो चुका है, अभी और संभावना है, 20 यूनिट तक संभावना है। और रक्त सभी को दान करना चाहिए, मैं अभी 28वां दान कर चुका हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कल मुझसे बात हुई और मैं इस कार्यक्रम में शरीक हुआ। और मैं चाहता हूँ सभी को दान रक्त का करना चाहिए, रक्त की फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये तो ह्यूमन में ही बनता है और बाकी हर चीज़ फैक्ट्री में बनती है, लेकिन रक्त ही एक ऐसा है जो शरीर में बनता है और ये कहीं बाजार दुकान में तो मिलता नहीं है। और रक्त देकर ही कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। आजकल आप देख रहे हैं कोविड के चलते कितने लोग परेशान हैं, एक एक बूंद के लिए परेशान है। उस समय हम सब लोगों ने ये तय किया, IV स्कूल ने ये तय किया कि बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, तो आज ये रक्तदान शिविर आयोजित किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सब आएंगे।